डॉक्टर्स गार्डन चैनल में मैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह आज आपको अपने सी हार्ट के कलेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसको कि गोवा में एक बीच से जो नेरुल में है चर्च, बहुत बड़ा चर्च है नेरुल में, वहीं हम लोग रिसॉर्ट में बगल में रुके हुए थे, तो वहीं से घूमने गए थे तो देखे कि समुद्र में मछुआरे जाल खींच रहे हैं, तो जिज्ञासा हुई, लो टाइड था तो बालू में उतर गए, वहाँ देखे तो घूमते हुए चर्च देखे कि बहुत सा कचरा लगा हुआ है, समुद्री कचरा जो लहरों के साथ बह करके आता किनारे लग जाता है, तो उस कचरे में देखे तो दो पिंस हमको मिले इस तरह के, जैसे यहाँ टीवी में नज़र आ रहे हैं, इस तरह के बीन्स मिले जो कि वहाँ बीच पर पड़े हुए थे। इनको देख करके हमको जिज्ञासा हुई तो हमने इसे उठा लिया, उठाने के बाद से हम ले आए इसको अपने साथ, तो सर्च किए तो मालूम हुआ कि ये तो बहुत लकी माना जाता है, इसका ये इसकी उत्पत्ति होती है वर्षा वनों में होती है, जो कि सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका के जंगलों में, कैरेबियन में पाए जाते हैं, वहाँ से इसकी बड़ी बड़ी लताएं होती हैं, ये लताएं इसकी 100 से 200 फुट लंबी होती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है टीवी में, ये लताएं इतनी लंबी होती हैं, उनमें फलियां लगती हैं, फलियां 2-2 मीटर तक की फलियां होती हैं और 15 से 20 बीज उनमें होते हैं, और ये बीज इसी तरह के होते हैं, और फलियां जब पकती हैं तो ये नीचे गिरते जाते हैं और नालों में बह करके आते हैं पानी के साथ, उन नालों से नदियों में आते हैं, मीठे पानी की नदियों में, खास करके अमेजन नदी में, जो कि इनको लेकर के सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के बाद ले आकर के समुद्र में छोड़ती है। समुद्र में ये थपेड़ों को खाते हुए पत्थरों से टकराते, मछलियों के दांतों को झेलते जो है बढ़ते रहते हैं, ड्रिफ्ट होते रहते हैं, बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाते हैं, हमको तो गोवा में मिला, ये कोलंबस को मिले थे अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड पे, तो कोलंबस ने सोचा कि ये यूरोपियन कंट्री में तो हमने देखा नहीं और यहाँ का भी पौधा जर्मिनेटेड नहीं है, तो इससे उसको इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, तो फिर इसको ड्रिफ्ट के साथ स्थिति का ज्ञान करने के लिए वो फिर अमेरिका की तरफ यात्रा किया, जोरिजन जगह है आइलैंड जहाँ की, इसको कोलंबस बीन्स के नाम से जानते हैं, इसका शेप जो है हार्ट की तरह का होता है, इसलिए इसको हार्ट, सी हार्ट कहते हैं, यहाँ इसका नोच है, ये हार्ड होती है इसकी सेल, और बहुत चिकने और चमकीले और यूनिक तरह के होते हैं, इनको ये बीच पर वहाँ से घूमते हुए हम लोग फिर 5 दिन तक रोज़ प्रयास किए जा करके देखने का, लेकिन एक नहीं मिला, हाई टाइड में फिर ये भी बह जाता अगर हम लोग नहीं उठा लेते तो इसलिए मिल गया हमको, ये बहुत लकी है, इसका पेंडेंट बनता है, कीरिंग बनता है, दूल्हा दुल्हन की सजावट में इसको प्रयोग किया जाता है, इसको इतना लकी लोग मानते हैं कि तकिए के नीचे रख करके सोते हैं, और ये बहुत मात्रा में कलेक्शन किया जाता है इसका बाहर और भी आइलैंड्स में, जहाँ से भी लोग कलेक्ट करते हैं, इसलिए जो है हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि कभी गोवा जाइए तो बीच पर इसको खोजिए, हो सकता है ये आपके किस्मत में हो तो मिल जाएगा। इसका जो है फल बहुत दिनों तक जो है 2-2 साल तक, 2.5 साल तक जो है इसके जर्मिनेशन की संभावना बनी रहती है, अनुकूल परिस्थिति पाने पर कहीं भी आइलैंड में ये उग सकते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, इस तरह से बढ़ते रहते हैं, नहीं तो करंट में सालों साल इसी तरह से करंट में बहते रहते हैं, और ये यूनिक है, बहुत आश्चर्यजनक है, आप भी कभी गोवा जाइए तो इनको सर्च कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।